5 persons will live in a tent if each person requires 16 meter square floor area and 100 meter cube space for air, then the height of cone of smallest size to accommodate these person would be. पांच, जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि पांच लोग हैं टेंट में और प्रत्येक लोगों को 6 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए और 100 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए हवा के लिए, तो आप उस कोन का हाइट बताइए, उस कोन का कितना हाइट होगा। तो जैसा कि मेरे को पता है कि अगर हम रेडियस मानते हैं टेंट का आर मीटर है, चूँकि इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो अगर हम रेडियस आर मीटर मानते हैं तो कोन जो होता है कुछ इस शेप में होगा। ये जो नीचे वाला शेप है ये एक सर्कुलर शेप होता है, तो हम अगर नीचे, क्योंकि चूँकि लोग तो नीचे रहेंगे, तो नीचे जो रहेंगे तो ये सर्कुलर शेप का जो एरिया होगा इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई का वैल्यू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 16। 5 क्यों होगा, पाँच लोग हैं और 16 मीटर स्क्वायर पर लोग को 16 मीटर स्क्वायर चाहिए, 16 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, यानी कि पांच लोगों को 16 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो यहां से आर का वैल्यू आ जाएगा 5.04 मीटर। अब बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द एयर, एयर का वॉल्यूम, तो पांच लोगों को प्रत्येक लोगों को 100 मीटर क्यूब चाहिए, तो यानी कि 500 हो जाएगा। और मेरे को पता है वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां से मेरे को आर का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू भी पता है और एच निकालना है, तो यहां से एच का वैल्यू आ जाएगा 18.75 सेंटीमीटर। आप इसको चाहें तो 18.75 मीटर में आ जाएगा, 18.75 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में दिया हुआ है और ये भी मीटर में दिया हुआ है, तो 18.75 मीटर आ जाएगा। थैंक यू।